हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो में हम यूनिट्री मेथड 7 लेसन हम कर रहे हैं, इसमें इसे कंटिन्यू करेंगे। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपका यूनिट्री मेथड लास्ट टॉपिक है इसमें आपका, तो इसे हम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 106 एंड पेज नंबर 107 में सेम टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं लास्ट वीडियो में हमने किए थे, जिसमें हमने एक एक करके वैल्यूज़ को निकाल रहे थे। कुछ वैल्यूज़ हमने क्वेश्चन में गिवन थी, तो कहीं पर हमने एक का निकालना था, कहीं पर हमने ज़्यादा की वैल्यू को निकालना था। तो ये भी आपका सेम उसी तरीके से है। तो कैसे देखेंगे इसको, लेसन आपका 7 यूनिट्री मैथड पेज नंबर 106 107। तो 5 क्वेश्चन हम इसका ले लेंगे पेज नंबर 106 का। सॉरी, क्वेश्चन है आपका 5 बंडल्स ऑफ शुगर केन वेट 80 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 3 सच बंडल्स। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि जो शुगर केन है, ये जो गन्ने का है, उसका जो एक गट्ठर है, ठीक है, गट्ठर है, तो 5 गट्ठर शुगर केन के जो बनाए गए हैं, जो गन्ने हैं, तो उन टोटल उनका वेट कितना है, 80 kg। अब आपको बताना है कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ 3 सच बंडल्स। तो 3 जो बंडल्स हैं, यानी कि जो 3 गठरे हैं, गट्ठर हैं गन्नों के, उनका वेट आपको बताना है। तो आपको 3 का बताना है, यहाँ पे आपको 5 का पता है और 3 का बंडल आपको बताना है। तो जब तक आपको एक बंडल का वेट नहीं पता होगा, तो आप 3 कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बंडल के क्या निकालेंगे, उसका भार निकालेंगे, उसका वेट उसका निकालेंगे हम। तो द वेट ऑफ 5 बंडल्स ऑफ शुगर केन कितना है, शुगर केन कितना है आपका, 80 kg। तो द वेट ऑफ 1 बंडल ऑफ शुगर केन, तो एक बंडल जो एक गट्ठर है गन्ने का, उसका क्या होगा। तो जब हम एक का निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 80 डिवाइडेड बाय आपका 5 हो, यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया है, 80 को हमने 5 से डिवाइड किया, तो आपका कितना है, 16 kg। तो एक बंडल जो शुगर केन का है, एक गठरा है जो उस अपना गन्ने का है, उसका वेट कितना है, 16 kg। ठीक है, यहाँ पे हमने एक का निकाल लिया। अब आपको 3 का बताना है कि 3 बंडल का कितना वेट होगा। तो क्या करेंगे हम, द वेट ऑफ 3 बंडल्स ऑफ शुगर केन में क्या कर देंगे हम, 16 × 3, क्योंकि एक का हमको पता लग चुका है, हम 3 का बताना है। तो द वेट ऑफ क्या हो जाएगा, 3 बंडल्स ऑफ शुगर केन क्या हो जाएगा, 16 × 3, 48 kg इसका आंसर। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, या तो आप इसको यहाँ पे एक और लाइन आप लिख सकते थे, यहाँ पे द वेट ऑफ 1 बंडल ऑफ शुगर केन आपने ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर लिया है, और द वेट ऑफ 3 बंडल्स ऑफ शुगर केन कितना हो जाएगा, 16 × 3, तो 48 kg। अब यहाँ पे देखिए, इसी को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट्री मेथड है। पहले हमने एक का निकाला, तो हमको इतने का पता था, हमने एक का निकाला, ठीक है, उसके बाद आपको 3 का पूछा है, फिर हमने इसका निकाल दिया। तो अलग अलग वैल्यू करके हम निकाल रहे हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, यूनिट्री मेथड। नेक्स्ट है आपका सेम क्वेश्चंस, आपके पेज नंबर जो 106 है एंड 105 है, सेम आपके इसी तरीके के टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट ऑलरेडी डन है यहाँ पे, और ये भी आपके सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, पेज नंबर 107 का भी हमने 5 क्वेश्चन हमने ले लिया है। द कॉस्ट ऑफ 6 पैकेट्स ऑफ पैंस इज ₹108, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 पैकेट्स ऑफ पैंस। अब ये कह रहा है कि जो 6 पैकेट्स हैं पैंस के, उनकी कीमत कितनी है, 108, और आपको बताना है 12 पैकेट की कीमत फिर कितनी होगी। 6 की पता है आपको, और आपको 12 की बताना है। इसमें भी सेम आपका फॉर्म, सेम आपका है, द कॉस्ट ऑफ 6 पैकेट्स ऑफ पैन ₹108, तो हम एक की कीमत निकालेंगे। द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ पैन कितना हो जाएगा, 108 डिवाइडेड बाय 6। तो एक की कीमत कितनी पता, कितनी है आपकी, ₹18, यानी कि एक पैकेट जो पैन का है वो कितने का है, ₹18 का। तो फिर द कॉस्ट ऑफ 12 पैकेट पैन की कितनी हो जाएगी, हम ज़्यादा का बताना है आपको, तो 18 × क्या हो जाएगा आपका, 12। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर कितना आया, 260। तो 12 जो पैकेट हैं आपके पैन के, उनकी कीमत कितनी हो जाएगी, 216 रुपये। तो सेम आपके टाइप के क्वेश्चन है, यही आपका यूनिट्री मेथड है, जिसमें हम एक एक करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस करना है, ये आपका लास्ट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप काफ़ी बार करते आए हैं, हर एक्सरसाइजेज में, जो भी आपका
चैप्टर है उसमें हमने जो हम वर्ड प्रॉब्लम्स हम करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने बहुत बार किए हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें, बहुत इजी है ये। और आज आपका जो सिलेबस है वो हाफिल एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना रिविजन स्टार्ट करेंगे और आपने भी अपनी क्या करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस आप करते रहेंगे एग्ज़ाम के लिए, तो अपनी प्रैक्टिस करते रहिए अपने हाफिल एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू क्लास।